हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? मेरे को कमेंट्स पे जरूर से बता देना है। एंड यस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M31s, उसको कंपेयर करेंगे पोको X2 एंड ऑल्सो यहाँ पे मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करने वाला, मैं जस्ट आपके साथ बात करने वाला हूँ कौन सा डिवाइस किसके लिए बना है, क्योंकि यार ये जो तीन डिवाइसेज है ना वो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से, और ये जो तीन फोन्स है ना वो हर किसी की डिमांड्स के हिसाब से बिकेगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको देखनी होगी। एंड डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ किसी के लिए मोटो है, किसी के लिए सैमसंग है और किसी के लिए पोको है। इन तीनों में से मैं एक बेस्ट पिक नहीं कर सकता। तो चलिए, ये वीडियो आपके लिए, आपको डिसाइड करना होगा इसके बाद आपको कौन सा फ़ोन परचेज़ करना है। एंड यस, हमें जल्दी से 200,000 तक पहुंचाने के लिए TS फैमिली ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो बेल बटन दबा दो, आपसे मोटिवेशन मिल जाती है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ मोटरोला। मोटरोला किन लोगों को यहाँ पे पिक करना है, सीधी बात करते हैं। और यहाँ पे ये जो डिवाइस है ना वो आया पहले हाइप में था, बट उसके बाद थोड़ी हाइप इसकी कम हो गई, बट ये डिवाइस काफ़ी अच्छा है, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये फिट बैठ सकता है। सबसे पहली चीज़, इसके अंदर मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड। उन लोगों को जिनको ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, या फिर जिनको हाई बहुत ज़्यादा हैवी यूआई नहीं चाहिए, आपको बहुत लाइट यूआई चाहिए जहाँ पे लैग्स या बग्स वगैरह ना हो, यूआई चलाते हुए ट्रैवल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह आपको कोई लैग्स देखने को ना मिले, तो ये जो है वो बेस्ट रहेगा। एंड ऑल्सो इसमें कोई एड्स देखने को नहीं मिलेगी, ना ही कोई ब्लॉटवेयर देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। मोटरोला ने यहाँ पे मतलब स्टॉक एंड्रॉइड डाल के थोड़ी सी कस्टमाइजेशंस ऐड कर दी हैं, तो यहाँ पर ये एक अच्छी चीज़ है। एंड कस्टमाइजेशंस जो है वो बहुत ही लाइट है, यहाँ पर कोई हैवी चीज़ें नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली आपको ये पसंद आएगा अगर आपको क्लीन यूआई पसंद आती है। तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि अमेजिंगली परफॉर्म करता है, बहुत वेल ऑप्टिमाइज्ड है। बाकी यार इसके अंदर आपको मैं बता दूँ, फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अगर आपको ऐसी डिस्प्ले चाहिए जहाँ पर कोई नॉच ना हो या कोई पंच होल ना हो, तो ये आपको मिल जाएगी। बट एमोलेड नहीं है ये, आप याद रखिए, IPS LCD है। और साथ में यहाँ पर पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि यार मेरे को काफ़ी सही लगता है। अगर फुल व्यू डिस्प्ले बना दें तो ज़्यादा बढ़िया लगता है फ़ोन यहाँ पे, और हमें कंटेंट देखने का बहुत मज़ा आता है। एंड यस, ये HDR10 सपोर्टेड है, एंड यहाँ पे जब आप कंटेंट देखोगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे ना 5000mAh की बड़ी बैटरी भी मिलती है, ताकि आप कंटेंट को यहाँ पे ना अच्छे से इंजॉय कर पाओ। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो चार्जर है वो 18W का है, टाइम ज़्यादा ले लेगा चार्ज करने में, बट यार बैटरी जाती बहुत लंबी है, तो एक बार अगर आप इसे चार्ज कर रहे हो थोड़ा टाइम लगा के, उसके बाद आपको जल्दी चार्ज करना नहीं पड़ता। उसके बाद इसका जो लाउड स्पीकर है वो बहुत ज़्यादा लाउड है, अगर आप वीडियोस वगैरह ज़्यादा लाउड स्पीकर पे देखते हो तो ये फ़ोन आपके लिए परफेक्ट रहेगा मेरे हिसाब से, तो ये फ़ोन आप डेफिनेटली देख सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इसमें प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी है, एंड प्लास्टिक बॉडी ऐसी है जो कि सैमसंग के चीप मोबाइल्स में होती है ना, वैसी टाइप की थोड़ी सी यहाँ पे बॉडी आपको देखने को मिलती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है बिल्ड क्वालिटी, इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। और कैमरास डिसेंट है, ठीक लगेंगे आपको अगर अभी तक आपने कंपेयर नहीं किया है किसी और मोबाइल के साथ, बट अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो हाँ, बाकी सारे जितने भी सेगमेंट में फ़ोन्स आते हैं वो इससे बेटर फोटोज़ खींचते हैं, तो एवरेज कैमराज हैं, नॉट द बेस्ट। बस ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बाकी मोटरोला के बारे में मैं पूरी अपने जो है Q&A दे चुका हूँ, जो भी आपके क्वेश्चन थे मैं यहाँ पे पूरा से रिजॉल्व कर चुका हूँ, तो वो वीडियो आप ज़रूर से देख लेना मेरे चैनल के ऊपर जाके। अब बात करते हैं पोको X2, ये फ़ोन किसको लेना है। एंड ये फ़ोन मैं काफ़ी देर से प्राइमरी यूज़ कर रहा हूँ, एंड मोटरोला को भी मैंने काफ़ी दिन यूज़ किया था, बट पोको जो है उससे भी ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि 20,000 के नीचे ये एक परफेक्ट चॉइस निकल कर आता है। इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी एक IPS डिस्प्ले, बट यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है कि 120Hz का डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। वन ओनली काइंड है ये डिस्प्ले है इस प्राइस पॉइंट पे। 120Hz जब आप चलाओगे, आप डिफरेंस आपको पता चलेगा कि स्मूथ डिस्प्ले क्या होती है। डेफिनेटली इसकी डिस्प्ले बहुत ज़्यादा स्मूथ है, UI बहुत मज़ा आता है चला के, आपको मज़ा आ जाएगा जब आप ट्रैवल करोगे एक जगह से दूसरी जगह। सेकेंड चीज़, यहाँ पे स्नैपड्रैगन 730G अगेन इस फोन में भी देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक तरह की गेम यहाँ पे चल जाती है। ऑल्सो यहाँ पे जो कैमराज है वो बेस्ट इन क्लास कैमराज देखने को मिल जाते हैं। इस प्राइस पॉइंट पे कोई फ़ोन नहीं मिलेगा जहाँ पर IMX686 वाला 64MP कैमरा मिल जाए, और ये डेफिनेटली बहुत अच्छी फोटोज़ खींचता है, आपको ये बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप कैमरा
के यहाँ पे हिसाब से फ़ोन देख रहे हो तो। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग है वो कमाल की है, इसके जैसी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कोई नहीं देगा। 4K पे चलती है वीडियोस EIS के साथ, बहुत अच्छी स्टेबलाइजेशन है यहाँ पे 4K वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो यार मज़ेदार रहेगा आपके लिए। एंड ऑल्सो यहाँ पर ना एक चीज़ बोल दूँ कि सेल्फीज़ के लिए फ़ोन नहीं है, सेल्फीज़ इतनी मज़ेदार नहीं आती, ओवर एक्सपोज कर देता है। बाकी यार प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगा, ग्लास बॉडी है आपको, गोरिल्ला ग्लास 5 पीछे आगे दोनों साइड मिलता है, आपको बहुत बढ़िया लगेगा इन हैंड फील इसका। ये तीनों डिवाइसेस की जो मैं बात कर रहा हूँ सबसे अच्छी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इसी फ़ोन की है। ऑसम हेडफोन जैक, इस फ़ोन का हेडफोन जैक बहुत ज़्यादा अच्छा है और मज़ेदार लगेगा आपको हेडफोन्स के ऊपर गाने सुनने का या कॉन्टेंट देखने का। बाकी यार इस फोन में IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है, शॉमी के हर फोन में देखने को मिलता है मोस्टली, और ये IR ब्लास्टर बहुत ज़्यादा काम में आता है आपको पता ही है। चलिए बात करते हैं अब सैमसंग M31S के बारे में। अभी M31S जो है वो पहली सेल में मैं परचेस करूँगा और आपको प्रैक्टिकल रिव्यूज़ ज़रूर दूंगा, बट अभी के लिए मैं एक चीज़ बता सकता हूँ ये फ़ोन किनको लेना है। पहला, जिनको सैमसंग की सुपर एमोलेड डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, एंड ये सैमसंग की सुपर एमोलेड बेस्ट होती है, तो डिस्प्ले 20,000 के नीचे सबसे सुंदर उसकी मिलेगी, डीप ब्लैक्स, पंची कलर्स एकदम बढ़िया वाली। हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा मोटरोला की तरह ही, बट यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड मिल जाएगी। तो तीनों डिस्प्लेज में से अगर मैं रैंकिंग दूँ तो नंबर 1 पे सैमसंग, नंबर 2 पे पोको, नंबर 3 पे मोटो, इसलिए फुल व्यू है मेरे को पसंद है बट वहाँ पे कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं है तो मैं पोको को चूज़ करता हूँ अगर IPS लेनी हो तो। एंड यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो है वो है यहाँ पे One UI, कस्टम UIs के अंदर मेरे को सबसे अच्छी One UI लगती है, तो मेरे को MIUI से बेटर लगती है, इसलिए मैं यहाँ पे सैमसंग की UI को रख रहा हूँ। 64 MP का क्वाड कैमरा है, इस बार सैमसंग ने अपना सेंसर नहीं डाला है, इस बार सोनी का IMX682 यूज़ किया गया है, तो ये 686 से नीचे है। बाकी यार देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन कितनी तगड़ी है, क्योंकि सैमसंग M31 की अच्छी थी, जिनको कैमराज अच्छे चाहिए सैमसंग M31S में कैमराज अच्छे मिलेंगे। बेटर किसके हैं ये देखने वाली बात है, वो मैं आपको डेफिनेटली परचेस करने के बाद बताऊंगा कि पोको बेटर निकल कर आता है कि सैमसंग, बट अगर आप सैमसंग खरीद रहे हो तो आपको कैमरास अच्छे ही मिलने वाले हैं। एक जगह में मेरे को लगता है कि पोको से शायद वो बेटर हो जाए, वो है सेल्फीज़, क्योंकि पोको की सेल्फीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, सैमसंग ने थोड़ा भी अच्छा बनाया होगा तो ये पोको से बढ़िया बन जाएगा, तो ये चीज़ आपको देखना है। बाकी यार इस फोन के अंदर आपको 6000 mAh की बहुत बड़ी वाली बैटरी देखने को मिलेगी और वो भी 25 watts के साथ। पोको में 4500 है प्लस 27 watt है, वहाँ पर बैटरी थोड़ी कम चलती है क्योंकि 120 Hz है, यहाँ पे 60 Hz रहेगी तो बैटरी ज़्यादा चलेगी और साथ में 25 वॉट का चार्जर यानी कि बहुत तेज़ी से चार्जिंग भी हो जाएगी। तो यहाँ पे बैटरी के मामले में ना तीनों फोन्स में मेरे को सबसे बढ़िया लगती है सैमसंग की, तो ये चीज़ आपको देखनी है। परफॉर्मेंस थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम मिलेगी, एक्जीनोस 9611 है तो ये प्रोसेसर गेमिंग के लिए नहीं बना है, नॉर्मल टास्क कोई दिक्कत नहीं, कैजुअल गेमिंग कोई दिक्कत नहीं, बट एक्सट्रीम गेमिंग करते हो फिर यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी। और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी इस फ़ोन में भी नहीं है, वही ग्लास बैक जैसे कि M31 में देखने को मिलती है, बट नए कलर्स आ गए हैं, बट वही क्वालिटी देखने को मिलेगी, तो प्रीमियम क्वालिटी इसके अंदर भी देखने को नहीं मिलती है। तो गाइस ये सारे के सारे हमारे यहाँ पे विचार जो कि मेरे सैमसंग के प्रति, मोटो के प्रति या फिर पोको के प्रति हैं। एंड फोन मेरा गीला हो रहा है, इट्स रेनिंग आउटसाइड, बहुत अच्छा वेदर है, बट वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा, यहाँ इतनी सी बात थी। अब आप डिसाइड कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सा फ़ोन लेना है, बाकी सैमसंग का फ़ोन आ लेने दो, पोको के साथ अच्छे से कंपैरिजन हम करेंगे, एंड ट्राई करूँगा मैं A50S के साथ भी एक कंपैरिजन बना दूँ। तो अभी के लिए इतना ही गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करके सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो बेल बटन दबा दीजिए। मैं आपको बताऊँ, कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज चेक यू गाइज, लव यू, बाय बाय।